अगर आप साउथ इंडियन मूवीज़ फॉलो करते हैं तो आप यश को जरूर पहचानते हैं। अगर नहीं पहचानते तो KGF चैप्टर 1 आने के बाद आप जरूर यश के फैन बन गए होंगे। तो आज हम उसी एक्टर के अर्ली लाइफ, स्ट्रगल, डेब्यू वर्क, फैमिली, अननोन फैक्ट्स, नेटवर्थ, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यश तो इनके स्टेज नेम है और इनके ओरिजिनल नेम है नवीन कुमार गौड़ा। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 में कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट में भुवनहल्ली गांव में हुआ था। यश के पिताजी कर्नाटक राज्य के गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर थे। इनके चाइल्डहुड में ज्यादातर समय मैसूर में ही कटी थी, जहाँ वो महाजना एजुकेशन सोसाइटी से ग्रेजुएशन करने के बाद एक्टिंग सीखने के लिए इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट बीबी कारंत की ड्रामा ट्रूप बेनेका ज्वाइन किया था। वैसे तो यश स्कूल में हर एक ड्रामा में कोई न कोई किरदार जरूर निभाते थे, लेकिन एक्टिंग मेथड के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। इसी कारण यश थिएटर से अपने एक्टिंग सीखने के लिए थिएटर ट्रूप ज्वाइन किया था और यश के फैमिली से भी यश को काफी सपोर्ट मिला था और उनके फैमिली को यश के पैशन के बारे में अच्छी तरीके से पता था। थिएटर में काम करते करते ईटीवी कर्नाटा में 2000 में आई नंदा गोकुला टेली सीरीज में सपोर्टिंग रोल में टीवी में डेब्यू किया था। ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪಿಗಿರಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಭಯಪಡ್ತೀನಿ। उसके बाद कई सारे टेले सीरीज में काम करने के बाद मोंकिना मानासु में सपोर्टिंग रोल में बिग स्क्रीन पे डेब्यू किया था, जहां उनकी एक्टिंग लोगों ने काफी पसंद किया था। और इसी मूवी के कारण यश कनाडा इंडस्ट्री के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नजर में आए थे। इसी मूवी के लिए 2008 में कनाडा फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी जीते थे। उसी साल यश को रॉकी मूवी में फर्स्ट लीड रोल मिला था, फिर 2009 में कल्लारा सांथे और गोकुला में लीड रोल पे काम किया था, लेकिन यह तीनों मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रहा। फिर 2010 में आई मोडाला साला यश की फर्स्ट सोलो हिट था। यश कई सारे मूवी की थी लेकिन कोई भी मूवी हिट नहीं गया। उसके बाद 2012 में यश का लक्ष्मी चमकने लगा। 2012 में आई ड्रामा मूवी उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी रहा। 2013 में आई गूगली उस साल की कनाडा में ब्लॉकबस्टर निकला। 2014 में आई मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी कनाडा लैंग्वेज की सबसे कमाई करने वाली मूवी बन गया। 2014 से ही यश को कनाडा इंडस्ट्री की सुपरस्टार का दर्जा मिला। ऐसे ही 2015 में आई मास्टरपीस और 2016 में आई सांथू स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी यश को कनाडा इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पैसा लेने वाला एक्टर बना दिया। इसके 2 साल बाद आई KGF चैप्टर 1। ये मूवी कनाडा लैंग्वेज में बनाने के बाद तमिल, तेलुगु, हिंदी में डब करके रिलीज हुआ और 250 करोड़ बॉक्स ऑफिस करके कनाडा इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मूवी बन गया। और इसी मूवी का कारण यश की पूरे देश में फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा हो गया और KGF चैप्टर 2 के लिए सब क्रेजी बनकर बैठे है, जो की 14 फरवरी 2021 को रिलीज होगा। और ये मूवी तो बहुत सारा रिकॉर्ड जरूर तोड़ डालेगा। यश की अभी तक टोटल 18 मूवीज रिलीज हुआ है, जिसमें से 6 में सपोर्टिंग रोल और 12 में लीड रोल पे थे, जिसमें से 3 फ्लॉप, 4 एवरेज, 6 हिट, 3 सुपर हिट और 2 ब्लॉकबस्टर है। और यश सिर्फ एक्टर ही नहीं है, सिंगर भी है और अपने कई मूवी में गाना भी गाया है। बहुत सारे र्यूमर्स के बाद गर्लफ्रेंड राधिका पंडित के साथ 2016 में शादी कर लिया है। अभी तक यश और राधिका की एक बेटी आयरा और एक बेटा यथर है। यश काफी सारा सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व है, जैसे कि अपने बीवी के साथ 2017 में यशो मार्गा फाउंडेशन शुरू किया था, जहां सबसे पहले कर्नाटका की कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में पानी की प्रॉब्लम दूर करने के लिए 4 करोड़ का डोनेशन दिया था। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में पानी का प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाया है। बहुत सारे गाँव में लोगों को बेटर लाइफ देने के लिए अपने फाउंडेशन से बहुत ज्यादा काम करते हैं। डेब्यू मूवी मोगिना मानासु के बाद लीड रोल में काम करते समय 4 बार साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड शॉर्ट में सीमा फॉर बेस्ट एक्टर इन कनाडा मिला है। KGF चैप्टर 1 के लिए मोस्ट इन्फ्लुएंसर यंग इंडियन फिल्म फेयर फॉर साउथ फॉर बेस्ट एक्टर इन कनाडा अवार्ड भी जीत चुके हैं। यश खुद एक बहुत बड़े कार लवर है, जिनके कारण उनके पास बहुत सारे कार कलेक्शन है, जैसे कि मर्सिडीज बेंज DLS 350D, मर्सिडीज GLC 250D कूप, ऑडी Q7, BMW 520D, रेंज रोवर इवा, कैजोर स्पोर्ट, ऐसे बहुत सारे बाइक और कार के कलेक्शन उनके पास मौजूद है। यश के नेटवर्थ मिनिमम 50 करोड़ है और एक मूवी के लिए 5 से 7 करोड़ लेते हैं, लेकिन KGF के सक्सेस के बाद ये तो जरूर बढ़ने वाला है। साथ ही साथ यश पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव है, जैसे कि 2018 में कर्नाटका स्टेट असेंबली इलेक्शन में BJP और JDS के मैसूरू और मंडिया डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट के सपोर्ट में कैंपेन भी किया था। तो ये थी यश की लाइफ स्टोरी, एक गवर्नमेंट ड्राइवर के बेटे से कनाडा मूवी इंडस्ट्री की सबसे बड़े सुपरस्टार बनना यश को रिस्पेक्ट करने के लिए काफी है और इसके हकदार भी है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।